तक सेकंड रनर अप रहे, आप सेकंड विनर रहे, एक सिर्फ एक के लिए रह गए, कितना मतलब मायूस हुए और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फर्स्ट रनर अप फर्स्टली एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. And thank you so much, Bigg Boss and Amol and Kals, for believing in me. And first runner-up, but just because of my audience have been supporting me from day one to now. Zarur jeetne ka tha, disappoint hua thoda, but game hai. Ek ko hi jeetna tha. But jis saab se response mil raha hai, mere ko bol rahe hai log ki aap humare liye jeete ho, aap humare liye winner ho. So, bahut badi baat hai mere liye. India internationally mere ko support aaya hai. So, aisa hua nahi hai kabhi. So, I'm just feeling overwhelmed and feeling very lucky to be a part of Bigg Boss and giving me this opportunity. So, yeah, that's it. Okay, Bigg Boss ne aapko ek naya ek fame diya, ek nayi pehchan diya. To, kitna thankful kehna chahenge aap Bigg Boss ko? मैं बिग बॉस के घर में रह के उनको रोज़ थैंक यू बोलता था मैं. सो इट्स जस्ट दैट आई एम उन्होंने बिलीव किया मेरे में, अपॉर्चुनिटी दी मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कहीं ना कहीं उन्होंने देखा ये कर सकते हैं और मैं खरा उतरा. सो आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड आई एम नेवर लेट उनको मैंने नीचा नहीं होने दिया. मैंने वो उनकी अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरा. सो आई एम जस्ट फीलिंग गुड. या रियल लाइफ में इतना एग्रेशन किसी ने मेरा टेस्ट नहीं किया, तो शायद होऊंगा अगर कोई टेस्ट करेगा. बट इतना कभी आया नहीं बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि 20-25, 15-20 लोगों में आप रह रहे हो, सिचुएशन ऐसी होती है, यू नीड टू टेक योर स्टैंड कि ये सही है, सही है. एंड बहुत से मुद्दे होते हैं, आपको कोई आप पे उंगली उठाता है, क्या टास्क में हो, कुछ हो. तो बाहर इतना कभी एग्रेशन आया नहीं, टू बी ऑनेस्ट. मुंबई में यू जस्ट कीप बिजी, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप वर्किंग आउट, कीप यू नो आप अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हो. बट वहाँ जाके पता चला एग्रेशन है, विच आई वांट टू वर्क ऑन इट. एंड वो काम मैं इतना सीखा है मैंने कि यू नो कि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ. सो या ओके, बिग बॉस में आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला, लोगों का साथ भी मिला, उसके साथ आपको प्यार भी मिला है. राइट. तो उसके बारे में क्या कहना चाहूंगा? और आपकी आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इफ आई लव हर एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट. एंड आई थिंक शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल गर्ल. एंड उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसको ना बोले. यू नो आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. एंड यू नो सो आई थिंक फैमिली इज फेयर इनफ. मैंने उनको स्टेज पे ही हिमांशी को मिलाया. यू नो फर्स्ट गर्ल अपने डैड को मैंने मिलाई, दैट इज हिमांशी. आई एम 26, आई एम नॉट लाइन, आई एम नोबडी, आई हैव गॉट टू यू नो ओके माय डैड, दिस इज माय यू नो गर्ल एंड एवरीथिंग. सो आई फील वेरी लकी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे दैट मैंने इतनी 10 साल जो मेहनत की, मैं खरा उतरा, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फल मिला है बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, बिकॉज ऑफ यू गाइस. सो आई जस्ट फील लकी. इसके अलावा बहुत जल्दी आप महेश जी के साथ भी मूवी करने वाले हैं, उसके अलावा भी 3 मूवी भी आपको ऑफर हुए, क्या सच है? मुझे मैं अभी 2 घंटा पहले निकला हूँ बाहर, मेरे को अभी सिर्फ हवा खाई है मैंने और मैंने चाय पी है, तो जो मैं पीता रहता हूँ उसके अलावा मुझे पता नहीं, कल सुबह पता चलेगा क्या है. सो लवली. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको? आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड फ्रॉम डे वन टू नाउ आपने सपोर्ट किया है मुझे एंड ओवरवेलम्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू.